हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पवन फिटनेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जिम जाने वाले या जिम करने वालों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको जिम के बारे में, बॉडी बनाने के बारे में अगर पूरी नॉलेज लेनी है, उसके बारे में सब कुछ अपन को सीखना है जो आज तक अपन ने नहीं सीखा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। मैं आज आपको डाइट से लेके, एक्सरसाइज से लेके अपन गलतियाँ कर देते हैं और सारी चीज़ें बताऊंगा, इसकी खूबी सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता, अच्छा दिखना सब चाहते हैं, बट उसके लिए अपन को पहले क्या मेहनत करनी पड़ती है, बॉडी बनानी पड़ती है, लुक बनाना पड़ता है, हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद में जाके अपनी एक शानदार पर्सनैलिटी बन पाती है। तो फ्रेंड्स, बॉडी बनाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बॉडी के बारे में बात करूँगा, पर उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा, सारी नॉलेज दूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में और बाकी मतलब जो अपन कुछ गलतियां कर देते हैं जिम जाने वाले, तो उनके बारे में, सबके बारे में फ्रेंड्स मैं आज आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैंने आपको बोला कि एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब अच्छा दिखना या लुक। तो फ्रेंड्स, अच्छा दिखना हर कोई चाहता है, पर उसके लिए फ्रेंड्स अपन को काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, अच्छे दिखने के लिए अपन को सबसे पहले तो अपनी जो बॉडी होती है वो बनानी पड़ती है। बाद जो अपना लुक होता है, मतलब कि हेयर स्टाइल चेंज करना, फेस का ग्लो, तो ये काफ़ी चीज़ें अपन को करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बॉडी का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी बनाना कोई ऐसे मतलब मामूली खेल नहीं है, पर मतलब ये है कि अगर अपन ठान ले तो बॉडी नॉर्मल है बनना, तो फ्रेंड्स जैसे आपकी एक शानदार बॉडी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप जिम जाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपन क्या कई बार जिम भी चले जाते हैं पर जिम जाने के बाद भी अपनी बॉडी क्या ग्रो नहीं हो पाती, तो फ्रेंड्स उसके भी काफ़ी रीज़न है। तो फ्रेंड्स, जैसे अपन जिम जा रहे हैं, अपन जिम जाते हैं, अपन को 1-2 मंथ हो गए पर फिर भी अपनी बॉडी बन नहीं पा रही। अपन सोच रहे पता नहीं अपन जिम भी जा रहे हैं या फिर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है या फिर क्या, मतलब खाना भी नॉर्मली चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि अपन ऐसे सोच तो लेते हैं कि भाई यार खा भी रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, फिर उससे क्या अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर अपन जिम जाना छोड़ देते हैं या बीच में एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। उसके बाद अपन ना तो एक्सरसाइज करते हैं और सब कुछ सिस्टम अपना, मतलब जो बॉडी बनाने का अपन पहले सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो सारा सब कुछ मतलब एक तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपन को ऐसे नहीं करना होता कि अपन को क्या अपन भूल जाते हैं, मतलब जिम जाते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, मेहनत ही मेहनत करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ये भूल जाते हैं कि अपन को प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरी और एनर्जी वगैरह काफ़ी चीज़ें, फैट वेट लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जिम जाने वाले इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स, मैंने क्या पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि असली बॉडी तो किचन में ही बनती है। तो फ्रेंड्स, इस बात को मैंने बोला था आपको कि इसको नोट कर लीजिएगा कि असली बॉडी किचन में ही बनती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या डाइट भी अच्छी लेनी होती है उसके लिए, तब जाके आपकी क्या बॉडी ग्रो हो पाती है। फ्रेंड्स, तो आपको क्या एक अच्छी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन हो। जैसे कि डाइट के अंदर आप जोड़ लो कि सोयाबीन हुई, सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्रोटीन आता है, राजमा हुआ और जो अपने मूंग हुआ, जैसे अपन केले भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, दूध हुआ अपन को मॉर्निंग में, जैसे अपन दही भी ले सकते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपन को काफ़ी मतलब अपने शरीर को फ़ायदा मिलता है, एनर्जी बनी रहती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ों का क्या अपन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही चीज़ बताऊंगा कि अपन कौन कौन सी क्या क्या तो अपन मिसिंग कर देते हैं, कई बार कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ अपनी लाइफ को लेके मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सारी चीज़ फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अपन जिम तो जाने लग जाते हैं पर उसके बाद अपन कुछ गलतियां कर देते हैं, प्रोटीन नहीं लेते, तो उसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स अपन को कोई प्रोटीन के डिब्बे लेने या कोई गेनर वगैरह लेना होता है, ये सब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ अपन ले। बट अपन को क्या है, जो नॉर्मल अपनी जो डाइट होती है उसके अंदर भी अपन जैसे काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं जो अपन जोड़ सकते हैं, उनसे अपन बॉडी बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि दूध ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं फ्रेंड्स, और भी काफ़ी चीज़ें जो अपन जैसे दही ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें फ्रेंड्स जो अपन
डेली डाइट में अपन जोड़ सकते हैं इनको, बादाम ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जैसे पीनट बटर हुआ, जो अपना जो ब्राउन ब्रेड होती है वो हुई, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन अपनी डेली डाइट में यूज जोड़ कर उनको डेली यूज लेके, मतलब अगर अपन दिन के जैसे मतलब कि एक से दो और भी अपन इसको देते हैं तो अपनी बॉडी काफ़ी ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये सब क्या, ये चीज़ें सारी नोट करने की होती है अपन को, इन सब चीज़ों का क्या फ्रेंड्स ध्यान में रखना होता है, जब जाके क्या अपनी एक शानदार बॉडी बनती है, जब जाके अपने डोले बनते हैं, तब जाके अपने चेस्ट सारी मतलब पूरी एक बॉडी शानदार तरीके से शेप में जब जब जाके ग्रो होती है। तो इसलिए अपन को ये क्या कुछ चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी कि इनका सबका अपन को ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो ये समझ लो कि फ्रेंड्स आपकी बॉडी बन ही नहीं पाएगी। तो प्रोटीन का मतलब आपको मैंने बता दिया कि ये नहीं है कि आप बाजार से कहीं खरीद के लाओ, ये अपन जैसे काफ़ी चीज़ों में ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। हाँ फ्रेंड्स, मूंगफली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मूंगफली खाने से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, और जो अपनी दालें होती हैं उन दालों के अंदर या अधिकतर समान मात्रा के अंदर प्रोटीन होता है सभी दालों के अंदर। तो फ्रेंड्स दाल खाना भी, दाल लेना भी मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। थोड़ा दाल भी क्या अपने डेली डाइट में एक दिन छोड़ के एक दिन डाइट के अंदर जोड़ लेना चाहिए जैसे अपन को। और फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बताया चावल भी, मतलब काफ़ी चीज़ें जो अपन खा के नेचुरल खा के भी उनसे मतलब अपना अच्छी खासी बॉडी ग्रो कर सकते हैं अपनी जो। और जैसे एग हुआ, अब नॉन वेज ऐसे भी नहीं है जो नॉन वेज नहीं खाते, तो फ्रेंड्स ये सबके लिए ये है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज खाए, पर नॉन वेज से बेस्ट बेस्ट चीज़ें काफ़ी होती है, जैसे सोयाबीन भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी काम कर जाती है। तो फ्रेंड्स अपन अब बात कर लेते हैं कि जिम करते टाइम पे या जिम जाते टाइम पे, जिम जो अपन हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम पे काफ़ी फ्रेंड्स अपन गलतियां कर देते हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स गलतियां ऐसे कर देते हैं कि जैसे अपन को समझ लो कि चेस्ट की एक्सरसाइज लेनी है, तो उसके अंदर अपन कई बार तो अपन जो चेस्ट की जो रोड होती है उसको सीख पाते, या जिस तरह से अपन को उसको लेनी चाहिए जैसे अपन को स्लो, बिल्कुल स्लो लेनी चाहिए, तो अपन कई बार उसको फास्ट करके छोड़ देते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसी गलतियाँ होती है जैसे अपन को डोले बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स अपन को जैसे जो राड भी उठानी पड़ती है और जो अपना जो डंबल होते हैं वो भी उठाने पड़ते हैं, और भी जैसे मतलब काफ़ी एक्सरसाइज होती है वो करनी पड़ती है। तो वो क्या अपन जैसे डंबल को बिल्कुल स्लो नीचे जाना और बिल्कुल स्लो स्लो उठाना होता है, तो उससे भी स्लो बिल्कुल उसको छोड़ना होता है। फ्रेंड्स ये क्या अपन कभी फास्ट कर देते हैं या कभी सही तरह से उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह से अपन काफ़ी गलतियां कर देते हैं जिससे अपनी बॉडी क्या बनती नहीं उतनी, मतलब अपन को उस बॉडी मतलब जो अपन वर्कआउट करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं उससे अपनी बॉडी को नुकसान ही पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो क्या ये चीज़ें काफ़ी नोट करने लायक है, तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अपन को बेंच जो चेस्ट की एक्सरसाइज लेनी होती है तो जो उसको भी क्या अपन को सही तरह से लेना होता है कि अपन को किस साइज में अपन को पकड़नी होती है, जैसे उस बेंच की जो एक्सरसाइज होती है जो राड होती है उसको अपन को जैसे पकड़ना होता है बिल्कुल जो अपना चेस्ट है उसके सिद के अंदर, उससे मैं यूँ समझ लो कि एक एक इंच छोड़ के मतलब नॉर्मली उसको अपनी चेस्ट के बराबर में पकड़ना होता है दोनों हाथों को, और सेम मतलब दोनों हाथों के बीच सेम गैप रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि अपन कई बार सोचते हैं कि मतलब राड को अपन जैसे दूर से पकड़ लेंगे चेस्ट, मतलब उससे कोई ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स मतलब उसको क्या अपन को सही तरह से बिल्कुल जो अपन को किस तरह से पकड़ना चाहिए उसी तरह से उस चीज़ को पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें नोट करने लायक है। तो ये कई चीज़ें अपन गलतियाँ कर देते हैं, कई बार अपन से वेट उठता नहीं, उससे भी ज़्यादा अपन वेट लगा लेते हैं, तो इससे क्या अपनी बॉडी मतलब गेन होने के बजाय अपनी बॉडी जगह की जगह रुक हो जाती है फ्रेंड्स, और बॉडी बन नहीं पाती। तो ये कुछ गलतियाँ होती है फ्रेंड्स जो अपन जिम जाते टाइम पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स इन चीज़ों का भी क्या ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अब अपन एक चीज़ की बात कर लेते हैं जिसका बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो फ्रेंड्स वो ये है कि मतलब पुशअप लगाना। तो फ्रेंड्स मैंने पुशअप के बारे में आपको मतलब पिछले वीडियो के अंदर 2 दिन वीडियो बनाए उनके बारे में, धीरे धीरे सबके बारे में बता दिया कि अपन पुशअप को पुशअप किस तरह से लगाने चाहिए या पुशअप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पुशअप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पुशअप से ही आपकी बॉडी गेन होती है, और जो पुशअप लगाते हैं उससे अपनी जो बॉडी है जो मतलब अपन जिम भी छोड़ दे या और एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, तो उससे क्या पुशअप से क्या अपनी बॉडी गिर नहीं पाती फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। तो अपन पुशअप लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पुशअप लगाना ये है कि अपने को जैसे मतलब कि पुशअप के भी काफ़ी वो होता है कि जैसे एक तो नॉर्मल पुशअप होता है, काफ़ी प्रकार होते हैं पुशअप के, तो वो क्या सारे अपन को पुशअप के लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स
पुशअप के भी अपन को जैसे नॉर्मल पुशअप हुआ तो फ्रेंड्स उसके जैसे अपन को 25-25 के दो सेट कर लिए। फिर फ्रेंड्स अपन जो डिक्लाइन पुशअप होता है, डिक्लाइन नॉर्मल पुशअप अपन जमीन पे लेट के बिल्कुल लगा सकते हैं, सब जानते हैं नॉर्मल पुशअप लगाने कैसे होते हैं। तो डिक्लाइन पुशअप होता है तो उनको भी सही तरह से लगाना चाहिए, जैसे बेंच के ऊपर पैर होता है और बाकी हाथ नीचे होते हैं, तो फ्रेंड्स उसको भी अपन को बिल्कुल स्लो स्लो लगाना होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। तो फिर उसके बाद अपन जैसे इंक्लाइन पुशअप होता है उसको बेंच, उस टाइम बेंच पे हाथ होते हैं और पैर जमीन पे होते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से इंक्लाइन पुशअप भी लगा सकते हो। और डायमंड पुशअप के बारे में बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, डायमंड पुशअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ट्राइसेप को भी गेन करता है, मतलब आपकी काफ़ी बॉडी के काफ़ी पार्ट को गेन करता है। तो फ्रेंड्स पुशअप से अपन को यही नहीं है कि चेस्ट पे फर्क पड़ता, बैक पे पड़ता, पुशअप से फ्रेंड्स अपनी पूरी बॉडी होती है उसके अंदर एनर्जी बनती है। पुशअप लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अपनी जैसे बॉडी काफ़ी ग्रो हो जाती है, पूरी बॉडी पे असर पड़ता है फ्रेंड्स पुशअप का। तो पुशअप लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप इंक्लाइन वो नॉर्मल पुशअप लगा लो, डिक्लाइन लगा लो, इंक्लाइन लगा लो, फिर डायमंड पुशअप लगा लो। तो फ्रेंड इससे अपने क्या चेस्ट बिल्कुल ग्रो में रहता है, जैसे चेस्ट का जो जो मिडल पार्ट होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल तो रहता है फ्रेंड्स मिडल होता है जो, और उसके बाद में जैसे अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है, तो इस तरह से ये क्या सारी चीज़ें अपनी चेस्ट की गेन हो जाती है, इससे अपनी बॉडी एक तरीके से शेप के अंदर हो जाती है। तो फ्रेंड्स पुशअप का भी सारा ये सब मैंने आपको फंडामेंटल जो भी है जो क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स अपन बात कर लेते हैं जो जो अपना जो पेट की प्रॉब्लम होती है, मतलब अपना डाइजेशन वो ख़राब रहता है, कई बार मतलब अपनी बॉडी गेन कर नहीं पाती, तो ये सारी चीज़ें भी क्या फ्रेंड्स अपन को नोट में करने लायक है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स जो मतलब पेट की जो नेक्स्ट मतलब जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये समझ लो कि जो बीमारियों की स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है, जो अपन कई बार अपन बीमार पड़ जाते हैं या अपने को जैसे कई बार खाना नहीं पसंद। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी चीज़ें भी अपन को क्या ध्यान में रखने लायक होती है। तो फ्रेंड्स पेट के लिए भी अपन जैसे काफ़ी योगा करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अपन को उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हैं, जैसे समझ लो कि गर्म पानी में जीरा डाल के उसको थोड़ा गर्म बढ़िया गर्म करके उसको जो लंबे बचे उसको छान के पीना, ये इससे भी क्या पेट की काफ़ी प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। और जैसे अपन को योग भी डेली करना चाहिए, क्या अपन योग नहीं कर पाते, कई बार अपन जिम ही जिम में लगे रहते हैं, तो थोड़ा अपन को ध्यान योग ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स जैसे हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि मैं एप्स भी ना बनाऊँ, सिक्स पैक जो एप्स बोलते हैं अपन, तो ये चीज़ भी क्या जरूरी, मतलब ये समझ लो कि इसको बनाने के लिए आपको मतलब सारी चीज़ मेंटेन रखनी होती है। मतलब ये चाहिए है कि अपन को जैसे बाहर की चीज़ें जो बर्गर वगैरह चाउमीन ये सब कुछ छोड़नी पड़ती है, बाहर के जो जंक फूड होते हैं वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, उसके बाद ही मतलब अपन को एक शानदार रिजल्ट मिल पाता है फ्रेंड्स, तब जाके ये बनते हैं, ऐसे नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जो अपन गलतियाँ करते आ रहे हैं उनको नहीं करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपन मिलते हैं अगले